दोस्तों आज मैं जब टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे ये वीडियो दिखी। ये वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन का भंडार है और इस पर 3.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसने कितनी बकैती की है और उन सारी बकवास को एक एक करके काउंटर करते हैं। सबसे पहले ये बताता है कि रोनाल्डो यूट्यूब को एक दिन में 36 बार खरीद सकते हैं। यूट्यूब को रोनाल्डो दिन में 36 बार खरीद सकता है, आखिर उस यूट्यूब पर रोनाल्डो अपना चैनल क्यों नहीं बना सकता। तो उठाते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं कौन किसको कितनी बार खरीदता है। दोस्तों 2024 के डेटा के अनुसार यूट्यूब की जो नेटवर्थ है वो 31.7 बिलियन डॉलर है और वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो नेटवर्थ है वो 907 मिलियन डॉलर है 2024 के डेटा के अनुसार। तो अब 31.7 बिलियन डॉलर को 907 से भाग देकर देखते हैं कि आखिर कितना आता है। तो अब देखिए यूट्यूब उल्टा रोनाल्डो को 35 बार खरीद सकता है। इसकी अगली मिस इन्फॉर्मेशन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2009 के बाद से फेमस होना स्टार्ट हुए थे। देखो 2009 के बाद रोनाल्डो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था, ये भी गलत है। दरअसल दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2003 से ही फेमस होना स्टार्ट हो चुके थे, जब उन्होंने यूनाइटेड मैनचेस्टर की तरफ से खेला और ट्रॉफी जिताई, तब से ही उनका पूरी दुनिया में नाम हो चुका था। हाँ वो अलग बात है कि सोशल मीडिया का इंटरफेरेंस 2010-11 के बाद से ही बढ़ा है। इसने कहा 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 2015 में जब रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल खोला था तो पहले 24 घंटे के अंदर ही इनके 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे, ये भी गलत है। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट ही नहीं किया, और क्यों नहीं स्टार्ट किया ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले आप इसका अगला झूठ देखें। क्योंकि अगर रोनाल्डो यूट्यूब पर चैनल खोलते हैं तो यूट्यूब का सर्वर क्रैश हो जाएगा और साथ ही रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से ही यूट्यूब रोनाल्डो को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अब ये बताता है कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो यूट्यूब का सर्वर ही क्रैश कर जाएगा। गजब फकीरी है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अकाउंट ट्विटर के ऊपर है यानी एक्स के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, इन तीनों का सर्वर आज तक क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं तो यूट्यूब का सर्वर क्रैश कर जाएगा, जबकि यूट्यूब का सर्वर इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर से ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रांग। अगला झूठ ये बताते हैं कि रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से यूट्यूब रोनाल्डो को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से ही यूट्यूब रोनाल्डो को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, ये भी गलत है। दरअसल दोस्तों जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को अपलोड करता है तो उन वीडियोस के ऊपर जब एड्स चलाए जाते हैं तो उन एड से जो रेवेन्यू होता है उसका 45% यूट्यूब खुद रख लेता है और उसका 55% कंटेंट क्रिएटर को दे देता है। मतलब ये कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसका 45% जो रेवेन्यू होता है उसका 45% यूट्यूब को मिलेगा। इसका मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चैनल बनाने से यूट्यूब का फायदा है, ना कि यूट्यूब को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अफोर्ड करने की जरूरत है। हाँ ये इसने सही बताया कि अगर रोनाल्डो का चैनल होता तो उसमें सब्सक्राइबर ज्यादा होते। ये बात सही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर अब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो उनके ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, और उसकी वजह है उनकी फैन फॉलोइंग जो कि उनके फुटबॉल करियर की वजह से। अगर रोनाल्डो इतने ज्यादा फेमस फुटबॉलर न होते तो शायद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी ना होते। 2023 में रोनाल्डो ने टिकटॉक का अकाउंट बनाया तो दूसरे दिन टिकटॉक ने इन्हें बैन कर दिया था क्योंकि 48 घंटों तक टिकटॉक क्रैश रहा था। और अगला झूठ इसने बोला कि रोनाल्डो ने टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था। दोस्तों आज तक के रोनाल्डो ने अपना खुद का ऑफिशियल अकाउंट टिकटॉक के ऊपर बनाया ही नहीं है। जो अकाउंट टिकटॉक के ऊपर आपको नजर आते हैं या फिर जिसको बैन किया गया था वो रोनाल्डो के नाम का पैरोडी अकाउंट था। दोस्तों पैरोडी अकाउंट वो होते हैं जो किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे कि ये ट्विटर के ऊपर आप ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट देख सकते हैं। इसमें प्रोफाइल पिक्चर ध्रुव राठी की है, नाम भी उन्हीं का यूज किया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। इसी चीज से बचने के लिए टिकटॉक पर रोनाल्डो नाम के उस पैरोडी अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। लोग उसे रोनाल्डो का ऑफिशियल अकाउंट समझकर फॉलो कर रहे थे। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर रोनाल्डो का यूट्यूब के ऊपर चैनल और टिकटॉक के ऊपर अकाउंट क्यों नहीं। दोस्तों इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस एथलीट हैं, एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। उनके खुद के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है, उनको हैंडल करने के लिए उन्होंने एक पूरी टीम रख रखी है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके जो मैचेस होते हैं उनके राइट उन्होंने अल नसर नाम के इस चैनल को सेल कर रखे हैं, पहले से ही बेच दिया है।
तो जितने भी उनके मैचेस होते हैं, उनकी जो वीडियोस होती है, इंटरव्यू होते हैं, वो अल नसर नाम के इस टीवी चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश किए जाते हैं। और इनका टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। उन्होंने पहले से ही अपने राइट्स बेच रखे हैं, इसीलिए वो अपने खुद के वीडियो शूट करके अपने किसी चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करते। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, ये सारे पोस्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ट्विटर के ऊपर पोस्ट की जाती है, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की जाती है, वैसे ही फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया जाता है। ये कोई वीडियो कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर जो पोस्ट की जाती है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के द्वारा पोस्ट किया जाता है और इसका वो महंगा चार्ज भी लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम को यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर सिर्फ इसलिए स्टॉप किया गया है ताकि इनके नाम के पैरोडी अकाउंट ना बनाए जा सके। ऐसी कोई वजह नहीं है कि अगर फ्यूचर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहें तो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल ओपन नहीं कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अफोर्ड नहीं कर सकता है, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से यूट्यूब का सर्वर क्रैश कर जाएगा। ऐसी कोई वजह नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इस मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे मैंने काउंटर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।